Hello, we love you. मंत्र विभाग दर्शकों, मंत्र विभाग में आज मैं आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसमें चतुर्थ स्थान में यदि सूर्य होता है तो उसका क्या फल मिलता है, इसके बारे में कहा गया है। यह मंत्र इस प्रकार से है, विविध जन विहारी चतुर्थ स्थाने दिनेशो भवति मृदु चेता गीतवा ध्यानुरक्त समर शिरसि युद्धे भगा कदाचित प्रचुर धन कलत्री पार्थिवानां च प्रिय। अर्थात जिस जातक की कुंडली में सूर्य चतुर्थ स्थान में होता है ऐसा जातक विविध जन विहारी सभी प्रकार के सभी श्रेणी के लोगों के साथ में रहने वाला या संपर्क रखने वाला होता है। ऐसा जातक मृदु चित्त वाला होता है, यानी ऐसा जातक कोमल स्वभाव वाला होता है। ऐसा जातक गायन और वादन की कलाओं में कुशल होता है, इसमें ज़्यादा समय व्यतीत करता है। और ऐसा जातक युद्ध से या मुश्किल परिस्थितियों से दूर भागने वाला नहीं होता। ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही धनवान परिवार से होती है। और ऐसा जातक पार्थिवानां च प्रिय अर्थात सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर स्थित व्यक्तियों में और सरकारी अधिकारियों में लोकप्रिय होता है। दर्शकों, सूर्य के इस फल कथन में शेष ग्रहों की स्थिति के आधार पर थोड़ा परिवर्तन या बदलाव भी आ सकता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको दैनिक राशिफल बताया, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का उपाय बताया, विशेष में आज हमने शुक्र और संबंधित व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त की, मंत्र विभाग में आज हमने ऐसे मंत्र के बारे में जाना जिसमें कुंडली में यदि सूर्य चतुर्थ स्थान में होता है तो उसका क्या फल मिलता है, इसके बारे में कहा गया है। मैं आशा करता हूँ यह सभी बातें आपको उपयोगी होगी। आप सबका आज का दिन शुभ रहे, आने वाला समय अति शुभ रहे, ऐसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं भावेश विजय कुमार दवे आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।